गुड मॉर्निंग का आप भी हो। गुड मॉर्निंग सर। हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया, लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम लेकर आए एक नया चैप्टर कूलिंग सिस्टम, जो आज कूलिंग सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है। कूलिंग सिस्टम आप जानते होते हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल में, क्योंकि इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसमें हीट उत्पन्न होते हैं। इंजन जब स्टार्ट होता है उसमें हीट उत्पन्न होती है, उसको सीमित करने के लिए, उसके टेम्परेचर को सीमित करने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किस लिए करते हैं, इंजन की ताप टेम्परेचर को, इंजन के टेम्परेचर को सीमित करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। वाटर पंप होता है और एक्जेलिक वाटर टैंक होता है। एक्जेलिक वाटर टैंक होता है और रेडिएटर एंड रेडिएटर प्रेशर कैप होता है और थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व होता है। और उसके बाद कूलिंग फैन जो रेडिएटर के जस्ट इंजन के जस्ट आगे लगा होता है और उसमें कूलेंट मिलाया जाता है। आइए हम फिगर से इसको समझते हैं। फिगर के द्वारा ये क्या है, अपर टैंक है, ये रेडिएटर है, ये लोअर टैंक है, लोअर टैंक है। उसके बाद ये वाटर पंप है, वाटर पंप के बाद ये सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के बाद ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के बाद ये क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। ये कैसे वर्क करता है हमारे इंजन में। सबसे पहले ये अपर टैंक में हम कूलेंट भरते हैं, उसके बाद रेडिएटर में कूल हो जाता है। तो क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसका टेम्परेचर 85 या 90 तक नहीं जाता है, 85 या 90 तक नहीं जाता है। क्या होता है कूलेंट हमारा, हमारा कूलेंट क्या होता है, ये रेडी लोअर टैंक से वाटर पंप में जाता है, वाटर पंप से सिलेंडर ब्लॉक में जाता है, सिलेंडर ब्लॉक से सिलेंडर हेड में जाता है, उसके बाद थर्मोस्टेट वाल्व में जाता है। जब तक टेम्परेचर 85 या 90 तक नहीं जाता है तो क्या होता है, वो कूलेंट फिर कहाँ आ जाता है, वाटर पंप में, वाटर पंप से ये फिर ब्लॉक में जाता है। ये सर्किट तब तक चलता है जब तक 85 से 90 तक टेम्परेचर नहीं जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 95 तक चल, 92 या 85 से ऊपर हो गया, क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व से कहाँ आ जाता है, अपर टैंक, अपर टैंक से फिर रेडिएटर, रेडिएटर से लोअर टैंक, लोअर टैंक से फिर वाटर पंप। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक इंजन हमारा चालू रहता है, ठीक है। और यहाँ एक्जेलिक टैंक जो होता है यहाँ पे लगा होता है। जैसे ही क्या होता है, रेडिएटर जब चालू गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद उसमें एक्जेलिक वाटर टैंक, एक्जेलिक टैंक में क्या होता है, कूलेंट वापस चला जाता है। फिर उसके बाद वैक्यूम क्रिएट होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसके बाद इसमें रेडिएटर में फिर वापस चला आता है कूलेंट, ठीक है। आइए हम आपको फिगर से दिखाते हैं कि रेडिएटर मतलब कूलिंग सिस्टम कैसे यूज होता है। मैंने चालू करा, देखिए हम आपको इस फिगर के माध्यम से पूरा क्लियर करा देते हैं कि आप ये कैसे मेरे इंजन में काम करता है, ठीक है। अब देखिए, ये टेम्परेचर यहाँ शो कर रहा है और ये आपको फैन है, इलेक्ट्रिक फैन। उसके बाद ये रेडिएटर है, ये वाटर पंप है, ये देखिए वाटर पंप है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ब्लॉक में, और वहाँ हीटर कोर लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है। अब देखो कैसे क्रिया करता है, देखो यहाँ से लोअर टैंक में, अब इस समय देखिए क्या है, फैन बंद है क्योंकि इसका टेम्परेचर लो हो गया है, अब देखो जैसे 92 ऊपर गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फैन मेरा चालू हो गया, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ये हो, पता चल गया इंजन हीट हो गया है। जैसे हीट होता है उसके बाद टेम्परेचर लो हो जाता है इंजन में, जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वैसे ही क्या होता है, फैन मारा, इलेक्ट्रिक फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखो ये वाटर पंप है, रेडिएटर से यहाँ गया, उसके बाद यह सिलेंडर ब्लॉक में गया, सिलेंडर ब्लॉक के चारों तरफ उसके कोर बने होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड में ऊपर बना होता है, उसके बाद ये गया सर्कुलेट हुआ, उसके बाद ये थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व का टेम्परेचर यहाँ देखिए दिखा रहा है, ठीक है, देखिए 83। इस समय देखिए थर्मोस्टेट वाल्व आपका ओपन नहीं हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व आपका ओपन नहीं हुआ, जैसे ही 80 से 80 प्लस गया
तुरंत ये देखिए थर्मोस्टेट से जो ये वाटर जाने लगा कहाँ थर्मोस्टेट वाल्व से, ठीक है, यहाँ देखिए 83 हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फैन चालू हो जाएगा। देखिए 92 के ऊपर गया तुरंत इलेक्ट्रिक फैन आपका ऑपरेट होने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि हमारा ये अन्य ये इंजन क्या हुआ हीट होने लगा है, कूलिंग करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर लो होता है इलेक्ट्रिक फैन आपका बंद हो जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फैन टेम्परेचर अगर हमेशा चलता रहे तो क्या होगा आपकी जो इंजन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेना आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।